वीडियो। तो गाइज आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग भी बहुत एक्साइटेड थे इसको लेके और ऑब्वियसली मैं तो हर वीडियो को लेके एक्साइटेड रहती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि व्हाट्स इन माय फ़ोन, एंड इसके रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी पोस्ट की थी जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से कि अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो मेरे फ़ोन के बारे में तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हो। तो आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे थे तो वो क्वेश्चन पर इनफ नहीं था, आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो, तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अभी जाओ और जाके फॉलो करो। तो वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे तो इसलिए मैंने फिर क्वेश्चंस गूगल किए, जिससे कि मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है इंटरेस्टिंग लिखे हैं जिसको आपको जानने में मज़ा आएगा। सो आई हैव रिटन क्वेश्चंस हियर इन माय नोटबुक एंड आपके जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने इसमें लिखे हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फोन डू यू हैव। सो आई हैव दिस ओप्पो A5। एक्चुअली आई हैव टू फोन्स आई कैन से, क्योंकि ऐसा था कि अभी कुछ दिन पहले जो मेरे को अपना पर्सनल फ़ोन मिला है उसको मैं ज़्यादातर वीडियो शूटिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और अभी तक उसमें सिम कार्ड भी नहीं डाला है मैंने, बस उसमें वीडियो शूट करती हूँ या एडिटिंग करती हूँ। तो ये जो फ़ोन जिससे शूट कर रही हूँ वो है Realme 6 एंड दिस फोन आई हैव इज़ Oppo A5। ये भी फ़ोन ज़्यादातर बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ, तो अगर आप पूछो कि ज़्यादा फ़ोन में कौन सा यूज़ करती हूँ तो ज़्यादा मैं ये यूज़ करती हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What color is it? Both are of blue color. This is of ये dark blue and वो भी dark blue color का ही है। Actually I wanted, मतलब पहले मुझे blue ही चाहिए होता था, but now I want कि अगर मैंने Realme 6 white color का ले लिया था तो खैर छोड़ो, मुझे तो हर चीज़ पे पछतावा होता है। Next question है what is your phone's wallpaper? तो ये है मेरा wallpaper, Never forget why you started, और ये lock screen wallpaper है। इसके अलावा मैंने ज़्यादा कुछ वॉलपेपर ऐसा सच रखा नहीं है, बस एक ही क्यूट सी कैट है इसी का वॉलपेपर रखा हुआ है, पिंक कलर का ऑब्वियसली। और इसमें आइकन्स भी मेरे फ़ोन में सारे पर्पल कलर के हैं क्योंकि पर्पल इज़ माय फेवरेट कलर, यू कैन सी एवरी आइकन इज़ ऑफ पर्पल कलर। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट यूज्ड ऐप्स ऑन योर फोन। सो मोस्ट यूज्ड ऐप्स ऑन माई फोन्स आर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड ऑब्वियसली यूट्यूब स्टूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज़ डू यू यूज़ फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज योर फोन। सो येस आई डू यूज़ फोल्डर्स। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑर्गेनाइज रहता है फ़ोन, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब मुझे एडिटिंग करने जाना है, जब मुझे पढ़ना होता है तो मैं बाकी ऐप्स को देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ, तो मैं जो फोल्डर खोलती हूँ मुझे उसी टाइप्स के ऐप दिखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे एडिटिंग के लिए अलग मैंने बना रखा है फोल्डर, और शॉपिंग के लिए अलग जिसमें ये जोमेटो मिंत्रा फ्लिपकार्ट वगैरह रख रखा है। देन फॉर स्टडी इसमें मैंने रख रखा है गूगल मीट, पीडीएफ मेकर और डॉक्स रीडर, और एक दो ऐप्स और हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी पढ़ाई की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एंड्रॉयड और आईफोन। सो ऑब्वियसली एंड्रॉयड एंड वाई। सो मैं गरीब हूँ What's your most played song? Most played song I have is like nowadays I am obsessed with the singer Villain. Villain से मैं बहुत ज़्यादा obsessed हूँ आजकल, and उनके गाने इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब it has a deep meaning and something we can say. तो आजकल तो मैं उसी से ज़्यादा obsessed हूँ, तो मुझे इनका एक गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है and that is चिड़िया। तो it's in my gallery. गैलरी नहीं, म्यूजिक लिस्ट, पर मैं थोड़ा सा प्ले करूँगी जिससे कॉपीराइट ना आ जाए। ये वाला गाना है चिड़िया, डिसेंट फेवरेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी टेक्स्ट यू सेंड पर डे। सो टेक्स्ट आई सेंड, बेसिकली आई डोंट सेंड टेक्स्ट टू एनीवन। एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई काम होता है या ऐसा कुछ होता है मैं तभी किसी को ज़्यादा टेक्स्ट करती हूँ, इसके अलावा मैं ज़्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट करती हूँ, और बाकी तो आजकल सब घर पे ही है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अप्रॉक्सीमेटली 15-20 मैसेजेस आई कैन से, और बाकी तो जो ग्रुप में चलता रहता है, जो स्कूल ग्रुप्स में और जो बाकी ग्रुप्स में चलता रहता है वो अलग रख लो। तो बेसिकली आई मैसेजेस मतलब ओनली ऐसे कभी कभी तो मैं करते भी नहीं हूँ, पर कभी कभी 15-20 वी कैन से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू एवर लेट पीपल लुक थ्रू योर फोन। नहीं, मतलब बेसिकली नॉट पीपल, आई डोंट लेट पीपल, पर घर पे तो मेरा फ़ोन ऐसे रहता ही, सबको मेरे घर फ़ोन का लॉक पता है, घर में तो सब लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऐप जिसके बिना आप रह नहीं सकते हो। सो दैट ऐप इज़ ऑब्वियसली यूट्यूब, आई कॉन्ट लिव विदाउट यूट्यूब। यूट्यूब हैज़ अ वेराइटी, यू नो जो चाहिए हमें वो वेराइटी है, तो इसलिए आई कॉन्ट लिव विदाउट यूट्यूब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर मोस्ट यूज स्टिकर रिसेंटली। ओके, सो माई मोस्ट यूज स्टिकर इज़
दिस फनी वाला स्टिकर राइट हियर, और ये हार्ट और नीचे डॉट वाला स्टिकर, एंड एक ये स्माइली वाला स्टिकर। तो ये तीन स्टिकर्स मुझे बहुत पसंद है। बेसिकली मैं ज़्यादातर ये हंसी वाला स्टिकर, हंसने वाला स्टिकर ही भेजती रहती हूँ जब भी चैट्स होती हैं मेरी फ्रेंड्स के साथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुम यू हैव रिसेंटली मैसेज। सो रिसेंटली आई हैव मैसेज्ड वन ऑफ माई फ्रेंड हियर लीना। एक्चुअली आई वॉज मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी किसी लिस्ट को निकालने में, तो उसने मुझे हेल्प किया ये लिस्ट भेज के। सो थैंक यू लीना, आई लाइक थैंक्ड हर। बेसिकली मैंने उसको थैंक यू बोला है। मोस्ट डायल नंबर इन योर कॉन्टेक्ट्स, तो ऑब्वियसली पापा, सबसे ज़्यादा पापा को फ़ोन करते हैं सबसे ज़्यादा। बेसिकली ज़्यादा डायल नंबर पापा है मेरे फ़ोन में। नेक्स्ट इज मोस्ट यूजलेस ऐप विच यू कैन अनइंस्टॉल राइट नाउ। सो देयर शुड बी एन ऐप आई वॉज मतलब मैं उसको कुछ दिनों से देख रही थी। सो दिस इज दैट ऐप हैप्पी व्हील्स एंड आई एम अनइंस्टॉलिंग इट राइट नाउ, क्योंकि ये मेरा भाई बहुत ज़्यादा खेलता है एंड आई डोंट लाइक दिस गेम एट ऑल। इतना मतलब ऐसा हो जाता है मेरे को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजफुल ऐप फॉर यू, मोस्ट यूजफुल ऐप फॉर मी यूट्यूब स्टूडियो, वाईटी स्टूडियो। आई लव वाईटी स्टूडियो एंड यूट्यूब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी अलार्म्स डू यू हैव। दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो होते हैं ना, कहते हैं ना कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जो 7 बजे का अलार्म लगाएंगे और एक जो 6:48, 6:50, 6:55। सो आई एम वन ऑफ दोज। हियर यू कैन सी माई अलार्म्स, सुबह 7 बजे का, फिर 7:10 का, फिर 7:15 का, फिर 7:20 का, एंड इसके अलावा भी 4-5 अलार्म होते हैं जो रिसेंटली लगते रहते हैं। एक है 3:30 का, ऐसे 2 बजे के आसपास। वो कभी कभी मुझे एडिटिंग करनी होती है तो मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। ओके गाइस, तो ये थे वो क्वेश्चंस जो मैंने गूगल किए थे, जो आई गेस कि आप लोगों को सुनने में और जाने में मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस विच यू हैव आस्क्ड मी ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी। तो वो क्वेश्चन सब शुरू करते हैं जो आप लोग जानना चाहते थे। सो द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज शो द वर्स्ट सेल्फी यू हैव। आई फील कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का यही सेम क्वेश्चन था कि वर्स्ट पिक्चर दिखाओ, सबसे ज़्यादा बेकार पिक्चर, सबसे ज़्यादा बेकार पिक्चर। तो आई गेस आप लोग सब देखना चाहते हो, तो आज आप लोगों को दिखा दी जाए मोस्ट एम्बैरसिंग एंड वर्स्ट पिक्चर। तो मैंने उसका कॉमेंट करके क्वेश्चन उठाया, एंड मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने लिए हैं क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ आप सब जानना चाहते हो। तो लेट मी शो यू दैट पिक्चर। एक्चुअली दिस इज दैट पिक्चर, दैट इज द वर्स्ट पिक्चर इन माई गैलरी, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू टेक रेनबो इन माई पिक्चर। एक्चुअली क्या था, आपने मेरा व्लॉग देखा है अगर हिमाचल की खूबसूरती, और या नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, लिंक आई बटन में है। तो उसमें क्या था ना, रेनबो निकला हुआ था हमारे घर की छत पे, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। सो आई वॉज थिंकिंग कि लेट्स टेक अ सेल्फी विद रेनबो लाइक दिस, एंड ऐसा हुआ कि पूरा फोकस मेरे पे बच गया, एंड रेनबो तो बेचारा, रेनबो का नामो निशानी, तो ये पागलों जैसी फोटो आ गई मेरे पास, एंड लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ फोटोज इन योर गैलरी। नंबर ऑफ फोटोज 2580 पिक्चर्स, 2500 फोटोज हैं मेरे फोन में, 2600 होने वाली हैं। व्हाट इज इन योर ऑडियो रिकॉर्डर लिस्ट, और अगर कुछ है तो वो हमें गा के सुनाए, गा के नहीं। तो बेसिकली आई डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग, एंड आई डोंट नो कि रिकॉर्डर का क्या यूज़ होता है, जैसे होता है यूज़, पर आई डोंट नो कि आप लोग उसको किस लिए यूज़ करते हो। बेसिकली मेरी बात करें तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। आई हैव वन ऑडियो इन माई ऑडियो रिकॉर्डर लिस्ट, तो ये मेरे दादू जी की आवाज़ है। एक्चुअली वो ना जब भी कुछ, वो ना बहुत ज़्यादा उनके पास स्टोरीज हैं, दे आर लाइक उनके पास इतना हब है ना स्टोरीज़ का, कि आप उनसे भूत वाली कहानियाँ सुन लो, और कुछ कुश्ती वाली सुन लो, अच्छी सुन लो, बुरी सुन लो, जैसी मर्जी सुन लो। तो वो ना मेरे को हमेशा से कहानियाँ सुनाते रहते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भूत वाली सुनती थी और फिर मैं डरती थी इतना ज़्यादा। तो अभी भी यही है कि जब भी मैं उनसे मिलती हूँ या जब भी मैं अपने होम टाउन जाती हूँ, तो एक्चुअली आई रियली मिस देम। तो मैं उनसे कहानियाँ सुनती हूँ और वो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी कहानियों का लेवल भी अपग्रेड होता गया। तो बेसिकली अब वो मुझे ऐसे थोड़ी कहानी किस तरह सुनाते हैं कि जब मेरे साथ क्या हुआ था। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग दैट माई दादू जी इज़ अबव 95 ईयर्स, उनकी एज 95 ईयर्स से ज़्यादा है। तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है,
इवन 1947 का जो वर्ल्ड वॉर था वो भी उन्हीं के सामने होता है, वो कहते हैं कि उस टाइम में था मैं, उस टाइम उनको ना वीडियोज और फोटोज का काफी ज्यादा शौक है, तो वो ऐसे जब भी वो कुछ बोलते हैं वो बोलते हैं चल जैसे मेरी वीडियो बना, चल जैसे ऑडियो रिकॉर्ड कर, उनको मेरे को कहते हैं कि चलो रिकॉर्ड करो, तो ये मैंने इनकी आवाज रिकॉर्ड कर रखी है। लोगों को समझ में आएगा ये नहीं, क्योंकि बेसिकली दिस इज इन हिमाचली लैंग्वेज एंड ऑब्वियसली यू नो व्हेन पीपल गेट ओल्ड उनका इतना ज्यादा साफ नहीं रहता है आवाज, तो ये आप सुन सकते। दिस इज द फोक सॉन्ग, हिमाचल का फोक सॉन्ग ये जो है हमें गा के, मुझे गा के सुना रहे हैं, सो दैट वॉज रियली गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। कॉल अ पर्सन हु डजंट पिक योर कॉल एट वंस हु विल बी हिम और हर, तो आई नो इट वेरी वेल, आई विल कॉल माई बेस्टी एंड शी विल नेवर पिक अप फॉर फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट उसको 3 या 4 बार कॉल करना पड़ता है तब जाके वो उठाती है, सो लेट्स कॉल हर। आई डोंट नो कि वो उठाएगी या नहीं, सो हियर आई एम कॉलिंग जशन माई बेस्ट फ्रेंड। ओह माय गॉड, हेलो, शी पिक्ड अप, ओह माय गॉड, हेलो, आज बड़ी जल्दी फोन उठा लिया। अच्छा अच्छा, तभी वही मैं सोचू अच्छा जशन ने पहली बार में फोन उठा लिया। चलो अच्छा ठीक है, एक्चुअली मैं एक वीडियो शूट कर रही थी तो उसमें ना वैसा था कि किसी को फोन करो जो पहली बार में नहीं उठाता, तो मैंने तुझे किया क्योंकि तू कभी नहीं उठाती और तूने उठा लिया। चल अच्छा ठीक है, आई कॉल यू लेटर, बाय। ओह माय गॉड, ये तो मिरेकल हो गया, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम हर। चलो अच्छी बात है, आदतें सुधर गई। Which study apps do you use? Or basically, I don't use many study apps. There is only 3: PDF Maker, Meet, Google Meet, और Docsider. इसके अलावा सारा study का material जो होता है वो मैं Google से देखती हूँ या YouTube से देखती हूँ, और हमारे teachers बहुत अच्छे हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा help कर देते हैं, तो एक तरह का मेरा WhatsApp अब study app बन चुका है, वो अब chatting app, messaging app नहीं रहा है, वो मेरे लिए study app बन चुका है, क्योंकि हमेशा जब भी कुछ करना है व्हाट्सएप, और अभी भी आप देख सकते हो आई हैव 99+ मैसेजेस इन माय व्हाट्सएप, बिकॉज ग्रुप्स की देन है, क्या करें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट थिंग यू गूगल, लास्ट थिंग आई गूगल इज दिस चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th। आई एम अ पढ़ाकू बच्चा तो इसलिए मैंने लास्ट में ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज लास्ट स्क्रीनशॉट आई टुक, स्क्रीनशॉट लास्ट दैट आई हैव टुक इज दिस क्यूटीज वॉलपेपर, सॉरी वॉलपेपर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और ये देख सकते हो आप ऑन लास्ट ऑन इन स्क्रीनशॉट्स। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज लास्ट पिक्चर यू हैव क्लिक्ड, लास्ट पिक्चर आई हैव क्लिक्ड, इट्स बीन लाइक यू नो वेरी लॉन्ग टाइम दैट आई हैवंट क्लिक्ड माई पिक्चर, क्योंकि अब अपनी शक्ल पे भरोसा सही नहीं हो रहा है क्या करें। तो बहुत ऊपर जाने के बाद देखो माई गैलरी इज़ फुल ऑफ स्क्रीन शॉट्स एंड पेपर्स एंड ये मतलब कि इतना स्टडी मटीरियल आता है ये आई कॉन्ट टेल यू। सो द लास्ट पिक्चर आई हैव टुक इज दिस, दिस इज़ व्हेन लैपटॉप की अनबॉक्सिंग की थी मैंने, तो ये फ़ोटो मैंने खींची थी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होके, तो ये फोटो है जो मैंने लास्ट टाइम क्लिक किया था अपना, और ये 2 सितंबर की फोटो है। ओके सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव दिस इन माय वीडियो, एंड जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इतना प्यार दिखाया, एंड दीज वर द बेस्ट क्वेश्चन सम काइंड ऑफ वी कैन से मोस्ट ऑफ यू हैव आस्क्ड द सिमिलर क्वेश्चन। ओके सो ये थी आज की वीडियो व्हाट्स इन माय फोन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड अगर आप लोगों को पसंद आई तो बिना लाइक किए तो ना जाना ही मत, आप बिल्कुल लाइक करके जाओ इस वीडियो के नीचे, और कॉमेंट सेक्शन बताओ कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, क्या चीज़ बेस्ट लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, बुरी चीज़ें भी बता दिया करो बिना किसी चीज़ की चाट के, सो दैट आई विल गेट अ चांस टू करेक्ट इट, और ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो ला पाऊँ आप लोगों के लिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियोज चाहते हो, क्या चाहते हो कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी कॉमेंट सेक्शन में बता देना, होपफुली मैं वो बनाऊँगी एंड पक्का बनाऊँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इंस्टाग्राम पे जाके भी फॉलो कर लेना, इस गरीब के इतने कम सब्सक्राइबर हैं। तो अब वक्त आ गया है अलविदा लेने का, सॉरी अलविदा कहने का, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो दोबारा से जो मैंने बोला वही कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।